लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें तो आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्तों में आप अपनी नींद की जरूरत 2 से 3 घंटे बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसा करें ताकि शाम के भोजन के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट कुछ शारीरिक काम हो। ऐसा करने से आपका सिस्टम काफी स्वस्थ होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जागते रहना चाहिए, बात ये नहीं है, लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें तो आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्तों में आप अपनी नींद की जरूरत 2 से 3 घंटे बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। 1.5 से 3 घंटे आप बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं अगर आप सचेतन होकर खाएं और बस ठीक से बैठना सीख लें। आपको पता है, बस बैठने की मुद्रा, आपके शरीर के ज्यामिति और सिस्टम में क्या जा रहा है, अगर आप बस इन 2 चीजों को संभाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी नींद का कोटा कैसे कम हो जाएगा। बस आपकी जानकारी के लिए, 25 सालों से ज्यादातर मैंने औसतन 2.5 घंटे की नींद ली है। अब मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ और अब मैं लगभग 4.5 घंटे सो रहा हूँ, लेकिन हफ्ते के 7 दिन, ठीक है, 365 दिन में बस ऑन 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 हूं लगभग हर दिन। यह वाकई सच है। कभी कभी एक दिन में हम 3 शहरों में होते हैं, तो ये नॉनस्टॉप गतिविधि है। और आज मेरे पास कई लोगों ने ऐसा करना सीख लिया है। मेरे आसपास 100 से 150 लोगों की दिनचर्या इसी तरह है, बस औसतन 4 घंटे की नींद, हफ्ते के 7 दिन वे बस ऑन 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 हर समय ऑन रहते हैं। और वे चिढ़े नहीं रहते, वे परेशान नहीं रहते, वे प्रसन्न रहते हैं, वे शानदार लोग हैं। ऐसा इसलिए है, इसके कई पहलू हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है भोजन। आप कैसे खाते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप क्या खाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे खाते हैं, क्योंकि भोजन एक जीवित पदार्थ है। आप सब लड़कियां एक आसान चीजें ये कर सकती हैं, अलग अलग स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, जड़ता और फोकस का मुद्दा है। आप अपने भोजन का 40-50% हिस्सा कच्चे भोजन के रूप में लें, यानी ये जीवित हो, इसे जीवित कोशिका होनी चाहिए। ये सब्जी हो सकती है, फल, मूंगफली, अंकुरित चना हो सकता है। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन में कम से कम 40-50% को जीवित होना चाहिए। आप मुर्दा भोजन खाते हैं और आप जीना चाहते हैं, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। लेकिन अगर आप जीवित खाना खाते हैं तो आप देखेंगे आपकी मानसिक अवस्था, आपका फोकस और आपकी नींद का कोटा, और सबसे बढ़कर बस जगे रहना ही काफी नहीं है, आपको सजग रहना होता है ना? आप कितने सजग हैं, कितने केंद्रित हैं, उसी हद तक इस दुनिया में हर चीज आपको लाभ पहुंचाती है कि नहीं? आपके फोकस का स्तर ही तय करेगा कि दुनिया आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, है ना? और जीवन का एक और पहलू, भोजन का एक और पहलू, जब आप कुछ खाएं तो उसका जेनेटिक कोड सरल होना चाहिए, मतलब उसका सॉफ्टवेयर बहुत सरल होना चाहिए। सब्जियां, फल, मूंगफली, अंकुरित चीजें, वे बहुत सरल हैं। ज्यादा जटिल का मतलब है जानवरों के मांस का कोड बहुत ज्यादा जटिल होता है। मान लीजिए आप एक जानवर खाते हैं जिसमें कुछ मात्रा में भावनाएं और खुद का जीवन होता है, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, आपका शरीर बस याददाश्त का ढेर है, जिसका मतलब है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, है ना? ये सबसे जटिल सॉफ्टवेयर है। इंसानी सॉफ्टवेयर धरती पर सारे जीवों में सबसे ज्यादा जटिल सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप एक जानवर खाते हैं, खासकर अगर आप एक स्तनधारी को खाते हैं, तो उसकी जटिलता वैसी ही होती है। शायद ये इंसान जितनी जटिल ना हो, लेकिन उसी तरह की जटिलता, क्योंकि उसमें उसके अपने विचार और भावनाएं हैं। अब उस कोड को तोड़ने और अपने सिस्टम के साथ जोड़ लेने में आप पूरी तरह से सफल नहीं होते, तो ये आपके भीतर कुछ खास गुणों के लक्षण छोड़ देगा। आप उस कोड को तोड़कर अपना हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलग और जटिल कोड है। अगर आप पत्तियां, सब्जी, फल, मूंगफली या अंकुरित चीजें खाते हैं, ये काफी आसान है। किसी दिन जब आप कोई भोजन खाते हैं, चाहे आप जो भी खाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो भोजन कितनी जल्दी पचकर आपका हिस्सा बन जाता है। कोई भी भोजन अगर 3 घंटे से ज्यादा पेट में रहता है, यानी आपने खराब खाना खाया है, वो भोजन
या तो आप छोड़ दें या कम से कम खाएं। अगर भोजन 3 घंटे में पेट से आंतों तक पहुंच जाता है, यानी आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसे आपका सिस्टम अच्छे से पचा पाता है, शायद वो सबसे अच्छा भोजन न हो पर सिस्टम उसे पचा पा रहा है। और 2 भोजनों के बीच अगर आप 5 से 6 घंटों की दूरी बनाए रखते हैं और बीच में अगर कुछ भी ना खाया जाए, तो आप पाएंगे कि कोशिकाओं या सेल्स के स्तर पर सिस्टम में सफाई होगी। सेलुलर स्तर की यह सफाई स्वस्थ जीवन के लिए सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 भोजनों के बीच कम से कम 5-6 घंटों का अंतर होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तो दिन में दो बार अच्छे से भोजन करना काफी होगा, एक सुबह का भोजन और एक शाम का। शाम के भोजन के बाद कम से कम 3 घंटे रुककर सोना चाहिए और कुछ शारीरिक काम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत भारी या जोरदार गतिविधि हो, बस थोड़ी सी सैर या शायद थोड़ा सा डांस या ऐसा कुछ। अपने लिए कुछ ऐसा करें ताकि शाम के भोजन के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट कुछ शारीरिक काम हो। ऐसा करने से आपका सिस्टम काफी स्वस्थ होगा।